चैनल ऑन निशा फैशन। तो आज मैं आप सबके साथ एक स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मालपुआ। ये तो सबको पता ही है, बहुत ही इजी सिंपल सा एक रेसिपी है। इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी एकदम फटाफट बन जाते हैं। तो चलिए मालपुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर है मैदा। मैं यहाँ 1 कप मैदा यूज़ किया हूँ। यह है सूजी, मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून सूजी यूज़ किया हूँ। यह है सौंफ, मैं सौंफ को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके इसको कूट के रखी हूँ। यह है ग्रीन कार्डमम, शक्कर, ये एक नींबू का रस है। यहाँ पर मैं 1 ग्लास मिल्क लिया हूँ। यहाँ पर है जाफरान, ये घी है, ये है मिल्क मेट। यहाँ पर है ऑयल और ये है कार्डमम पाउडर, मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करूँगी, और पानी, बस यही आपको ज़रूरत है। अभी मैं मैदा डाल दूँगी, इसमें डाल दूँगी अभी ये सूजी। ये सौंफ है यानी कि मोड़ी, अभी इसमें डालूँगी मिल्क मेट। मैं मिल्कमेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो इसमें शक्कर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मिल्कमेड में ऑलरेडी मीठास रहता है और ये डालने से ना एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैं मिल्कमेड यूज़ करूँगी और थोड़ा सा कार्डमम पाउडर। अभी इसको अच्छे से मिला लूंगी। आप मिल्कमेड और शक्कर में से किसी एक चीज डाल सकते हो, लेकिन मिल्कमेड डालने से इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आता है। अभी मैं कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालूंगी। इसमें पानी मत डालिएगा, मिल्क डाल के ही बनाइएगा, अच्छा लगता है, इस फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसे अच्छे से हैंड व्हिस्क की मदद से अच्छे से फेंटना है और इसको मैं 15-20 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया और अभी 20 मिनट्स के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये जो सूजी है ये थोड़ा फूल जाए। और इसमें आप शक्कर आपके अंदाजे से डालना, आपको जितना मीठा खाना पसंद है आप उसके हिसाब से डालना। तो अभी मैं इसको 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। तो अभी मैं साइड बाई साइड चाशनी बना लूंगी, इसके लिए मैं पहले ही चीनी डाल दूंगी। ये 1 कप के करीब चीनी है और इसमें मैं डाल दूंगी पानी। जितना चीनी है आप थोड़ा सा हिसाब करके उतना ही पानी डालना, थोड़ा ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लूंगी। तो अभी आप देख सकते हो मेरा जो शक्कर है ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसमें उबाल भी आ गया है। अभी इस स्टेज में मैं कार्डमम दे दूंगी और थोड़ा सा सैफ्रन डाल दिया मैंने, फ्लेम लो टू मीडियम कर दूंगी। अभी चाशनी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी इस स्टेज में मैं डाल दूंगी एक होल नींबू का रस। ये एक बहुत अच्छा एक ट्रिक है, आप यूज कर सकते हो। ये डालने से क्या होगा, आपका जो शक्कर है ये जमेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, नहीं तो जम जाता है ना ठंडा हो जाने के बाद, थोड़ा नींबू डालने से ही जमेगा नहीं। अभी मेरा चाशनी पूरा रेडी हो चुका है, अभी मैं इसको एक ग्लास बोल में निकाल लूंगी।
तो अभी 20 मिनट्स हो चुका है, ये थोड़ा गाढ़ा बन गया था इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया। अभी इसको अच्छे से एक बार फेंट लूंगी, फिर इसको तलना है। गैस मैंने ऑन कर दिया, अभी इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून जैसा घी। घी इसमें जरूर डालना, इससे ये डालने से एक बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है, ये जरूर डालना। और इसके साथ ही मैं डालूंगी ऑयल, रिफाइंड ऑयल। कोई कोई पूरा घी में बनाते हैं लेकिन वो थोड़ा ज्यादा रिच हो जाएगा, इसलिए मैं घी और ऑयल मिक्स करके बनाने वाली हूँ। ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए फिर मैं एक एक करके मालपुआ को इसमें फ्राई कर लूंगी। तो अभी ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। अभी इसमें मैं मालपुआ डाल दूंगी, ये बैटर जो है इसको डाल दूंगी। इसको मैंने पलट दिया और दो तरफ से ही अच्छे से ब्राउन कलर आएगा, तब तक आपको इसको फ्राई करना है। अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा। ये कितना फूल चुका है आप देख सकते हो। इस तरफ से थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर मैं प्लेट में इसको निकालूंगी। इसको अभी मैं प्लेट में निकाल लूंगी, ये हो गया। अभी मैं दूसरा डालूंगी। एक मेरा बन चुका है आप देख सकते हो, अभी मैं दूसरा बनाऊंगी। फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। आप देख सकते हो ये कितना फूल चुका है। अभी इस तरह से थोड़ा ब्राउन हो जाने के बाद मैं प्लेट में इसको निकाल लूंगी और बाकी जो है मैं ऐसे ही बना लूंगी। आप देख सकते हो ये भी कितना फूल गया, कितना फूल चुका है। आपका भी हर एक मालपुआ फूलेगा अगर आप ये जो बैटर है इसको अच्छे से फेंटोगे तो आपका मालपुआ भी ऐसा फूल जाएगा। यहाँ पर मैंने मेरा दो बन चुका है ऑलरेडी और ये थर्ड चल रहा है। इसको अच्छे से ब्राउन करके फ्राई करना है। तो यहाँ पर मेरी तीन मालपुआ बन चुका है। तो अभी मैं एक एक करके लेके ये जो चाशनी था इसमें डुबो दूंगी। अभी भी बन रहा है। और इसको चाशनी में ज़्यादा देर तक नहीं रखूंगी, 3 to 5 मिनट्स के लिए इसको इसके अंदर रखूंगी। फिर रेडी हो जाएगा हमारा मालपुआ। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो मालपुआ मेरा बनके तैयार है। मैं चाशनी में 5 मिनट के लिए इसको भिगो के रखी थी, अभी भी है, ये चाशनी में ही है। और कैसा हुआ है आप ज़रूर ये मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मस्ट ये आप घर पे ट्राई करना। और इसमें ना कोई कोई कोकोनट चॉप करके भी देते हैं, कोई कोई मावा यानी कि खोया खीर जिसको बोला जाता है वो भी देते हैं, उससे भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिलहाल मेरे पास घर में फ्रेश कोकोनट नहीं था इसलिए मैं ऐसे बनाई और इससे भी बहुत अच्छा होता है। आप ज़रूर ये घर पर ट्राई करना। तो अगर आज का ये मालपुआ का रेसिपी आपको पसंद आए तो फिर आपको तो पता ही है क्या करना पड़ेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, अदरवाइज यू कैन मिस माय न्यू वीडियो अपडेट्स। कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय।